चक्रवाती तूफान मिचोंग का असर साफ तौर पर देखा जा रहा है और इस वक्त हम मौजूद हैं, न्यूज 18 इंडिया की टीम विजयवाड़ा में मौजूद है और देखिए ये तस्वीरें देखिए यहाँ पर कि किस तरीके से बारिश होने के बाद लगातार बारिश हो रही है रात से और ये जो सड़कों पर पानी भर गया है। देखिए वो तस्वीरें देखिए, जो गाड़ियाँ हैं आधी आधी गाड़ियाँ यहाँ पर डूब गई हैं और अब जो जो लोग हैं गाड़ियों की आवाजाही है उसमें उनकी कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ये सड़क है, ये कोई नदी नहीं है, वाटरफ्लो देखिए, देखिए वाटरफ्लो देखिए कितनी तेज ये वाटरफ्लो आ रहा है और यहाँ तक कि जो लोग हैं देखिए पीछे बसों की गाड़ियों की जो कतार है, गाड़ियों की कतार कितनी ज़्यादा यहाँ पर लंबी यहाँ पर हो गई है, चाहे सिटी बस हो चाहे जो आगे की भी जो दिक्कत है लोगों का। हम सिटी बस में जाते हैं तो देखिए ये तस्वीरें विजयवाड़ा की है जो एपिक सेंटर से ठीक 90 किलोमीटर दूर है और यहाँ पर लोगों को इस तरीके की दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और देखिए आगे आगे यहाँ पर देखिए जो लोग हैं बचाव दल के लोग हैं वो भी यहाँ पर आ रहे हैं। वेयर हैव यू कम फ्रॉम? रेलवे से आप? तो व्हाट हैज हैपेंड हियर, यहाँ क्या हुआ है? रेलवे से भी यहाँ पर लोग आए हैं, बचाव राहत का काम कर रहे हैं लेकिन जो पानी है, पानी का स्तर लगातार यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। देखिए ट्रैफिक पुलिस के लोग भी हैं यहाँ पर, न्यूज 18 इंडिया की टीम हर पहलू इस साइक्लोन मिचोंग से जुड़े हर पहलू आपको दिखाएगी। ये यहाँ पर तस्वीरें हैं और अब तमाम एजेंसियाँ यहाँ पर लगी हुई हैं, चाहे वो जैम हो शहर हो चाहे गांव हो, और हर तरीके का जो रेस्क्यू ऑपरेशन है इससे परिस्थितियाँ सामान्य हो ये देखा जा रहा है। एक एक करके ये वाहनों को यहाँ पर जाने दिया जा रहा है। अगर हम कहें अस्त व्यस्त हो गया तो ये गलत नहीं होगा। देखिए ये तस्वीरें देखिए, तार ये तार यहाँ पर पड़ा हुआ है और सड़क पर इस तरीके का जो असर है वो दिखाना यहाँ पर तूफान ने शुरू कर दिया है और जो तार है जो कच्चे कनेक्टिविटी के तार है वो गिर रहे हैं और आगे पानी जमा हो रहा है। तो जैसे जैसे यहाँ पर समय और बीतता जाएगा तबाही का मंजर है और ज़्यादा गहरा होता जाएगा।